Good evening, Honorable CGM sir, GM sir, DGM ma'am, DGM sir, and everyone. एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले कुछ लाइन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. जब टूटने लगे हौसला तो इतना ध्यान रखना, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते. जब हम 20 लोग रह गए थे और सर के डायरेक्शन में जो उस समय जो हमने कमिटमेंट लिया था, ये मैं बुक लेके आया हूँ, यू कैन सेल. जो सर ने मुझे पहली बार मैंने जो सर से ली थी वो ये ली थी, और उसके बाद डेली मैं दिन की शुरुआत करता था इस बुक से. इस बुक का हर एक पेज मैंने पढ़ा, और इस बुक में मैंने सीखा आप कुछ भी सेल कर सकते हो, बशर्ते आपको पहले खुद को सेल करना आना चाहिए. अगर आप कहीं भी जाकर के स्ट्रांगली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि आप अपनी बैंक का चेहरा है. जब आप जाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका पहनाव, आपका बोलना, आपका अपने आप को प्रेजेंट करना, वो आपकी बैंक को प्रेजेंट करता है. बहुत खुशी होती है जब हम कहीं जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमने बैंक को पढ़ा तो बिजनेस छीना, हमने HDFC बैंक का छीना, इवन हमने साउथ का भी 10 करोड़ छीना, सॉरी, लेकिन वी आर पैशनेट फॉर दिस. कोरमंगला से फोन आया, HLST साउथ से फोन आया, कर क्या रहे हो तुम लोग? 2.5 करोड़ का फाइल जो सैंक्शन हो गया कोरमंगला में, कैसे लोकेश सर के RACPC में हो रहा है? सर ने बोला, राहुल कह दो मैं हूं, कुछ भी रहता है मैं. हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया वो इस वजह से आया क्योंकि सर ने हमें विश्वास दिलाया कि मैं हूं ना. वो कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर आया, जो हम फील्ड में जाते थे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता था, कुछ भी कर सकते हो. मुझे याद नहीं कोई भी ऐसा बिल्डर या कहीं भी ऐसी जगह जहां हम गए और वहां से खाली हाथ लौट के आए. वो बात अलग है कि एक साल लग गया लेकिन हमें बिजनेस आया. इतना किया लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं. मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं. मेरी वाइफ कहती है अक्षय कुमार को इतना पसंद करती हूं कि एक क्वालिटी है आपके अंदर, वो तो 4 बजे उठता है लेकिन आप तो 8:30 बजे घोड़े बेच के सोते हो. मेरे लिए बहुत मुश्किल था, 6 बजे भी उठना शायद मुश्किल था, लेकिन मैं कह सकता हूं मैंने चेंज किया और 3 महीने से लगातार मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूं. और वो मेरा कमिटमेंट है, वो मेरा कमिटमेंट. पहले मैं अलार्म लगाता था 3:59 पे, ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती. वाइफ कहती है ये सब इतना इसलिए? मैंने कहा क्योंकि मुझे पैशन मिलता है, मुझे किक मिलता है इसका, मुझे खुशी होती है, एंड आई फील मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या दे रहा है रादर देन मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा हूं, वो मेरे लिए सोच इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब भी हम लोग मार्केट में जाते थे, फील्ड में जाते थे, ये जो कॉन्फिडेंस यहां दिख रहा है वो अगर आया है तो वहां से आया है, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैं हूं आपके साथ हर जगह मैं हूं. और इसीलिए जब हम जाते थे और जब भी जाते थे तो कहते थे HDFC बहुत बड़ा नाम है तो वही एम्प्लॉइज ना. HDFC कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है एम्प्लॉइज से बनता है, एम्प्लॉइज के डेडिकेशन कमिटमेंट से बनता है. हम लोगों ने इस तरीके से चीजों को प्लान करा कि कंपटीशन का कहीं जगह ही नहीं रह गया. रात के 11 बजे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठे, घर में सिस्टम है, प्रिंटर है, फाइल रेडी करा, 10 बजे RACPC फाइल लॉग इन, कहां कॉम्पिटिशन रह गया. तो चीजें कुछ इस तरीके से हुई कि ये 4-5 महीने मेरी लाइफ के सबसे टर्निंग पॉइंट रहे, एंड आई एम वेरी वेरी मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कंपनी के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला जो हमेशा मेरे साथ में, शायद से मुझे फिल्टर करके, कि कभी अगर कहीं भी थोड़ा सा मैं एग्रेशन हो गया तो वो, जैसा बताया संतोष सर, जनवरी में बैठे थे एक बार, संतोष सर ने बोला सर क्यों ना इस बार 10 CR की जगह 50 CR करा जाए. मैं शॉक, क्या कह रहे हो? बोला सर आप पता है मतलब 50 CR करने के लिए. बोले नहीं सर आप सोचो तो. मैंने इग्नोर कर दिया, सर को अच्छा नहीं लगा मेरी बात कि यार एटलीस्ट आप सोचोगे नहीं तो आप करोगे कैसे. और फिर बाद में मैंने बोला सर हम कर सकते हैं? बोले यस बिल्कुल कर सकते हैं. और उसके बाद जो चीजें हुई और चीजें उस तरीके से बनती गई. कहते हैं ना जब आप, वो सही बात है कि जब आप किसी चीज को दिलोजा से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है. चीजें ऐसी बनी कि हम गए जाने जाने प्रेस्टीज और वाइस प्रेसिडेंट से मिले, और कुछ लोग जिनका एक अलग ही नेगेटिव एटीट्यूड था वो आज के डेट में सबसे बड़े फैन है. जो आपका सबसे बड़ा विद्रोही होता है, जो आपका सबसे बड़ा क्रिटिसाइज करता है, वही आपका सबसे बड़ा फैन होता है. बस उसके नजरिए को बदलना है. आज की डेट में हमें जो भी फाइल्स आती है, जितनी भी फाइल्स आती है, जहां से भी आती है, वो सब ऐसे थे जिन्होंने पहली बार में हमें बहुत
हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेके बुरा बुरा भला बोला था कि यार तुम एसबीआई वाले ये वो, लेकिन हमने करके दे, हमारी एक ही टैगलाइन थी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन अवर वर्ड्स, रादर देन आप शब्दों से बोले आप करके दिखाए सामने वाला आपका फैन हो जाए। इसलिए सर से कहा था ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जो आपने मोटिवेशन हमें दिया है, जो आपने हमारा एटीट्यूड चेंज करा है, कहते हैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल और विल। डेली अपने आप को ट्रेन करना डेली इस चीज में, वो है स्किल, लेकिन मैं लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं, वो है विल, क्योंकि विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किल से। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, शिफ्ट खेड़ा चूंकि मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं, जब मैं बैंक ज्वाइन करने से पहले 6 से 7 साल जब मैंने दिल्ली के अलग अलग कोचिंग में पढ़ाया, तो मैं शिफ्ट खेड़ा की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उन्हीं से मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देता था, लेकिन ये बुक रह गई थी जो मुझे सर से मिली। मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा कि आप जब जाते हैं साइकोलॉजिकल गेम रहता है, बायर की नीड्स क्या है, बिल्डर चाहता क्या है, वो चाह क्या है, उसकी बेसिक नीड क्या है, बहुत सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। 2013 में जब मैंने बैंक ज्वाइन किया, 2013 से लेकर के 2018 तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं खुश नहीं था अपने काम से, लेकिन आज की डेट में जब मैं सुबह उठता हूं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मैं खुद से उठता हूं क्योंकि मैं खुश हूं। जब आपको अपने काम में प्यार आने लगता है तो काम काम नहीं रह जाता है, वो आपका पैशन बन जाता है, जब वो आपका पैशन बन जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, जो दिल में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 3-4 महीने जो जिया जो करा वो आपके सामने है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, यस वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि वी आर वेरी प्लेजर कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी टीम के साथ काम करता हूँ जहाँ एक बड़े लेवल पर भी आपको इतना सपोर्ट मिलता है 24/7। सर से जो सपोर्ट मिला, इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, लेकिन सर के साथ साथ जो हमें RACPC से मिला, मैं यहाँ बात करना चाहूंगा लोकेश सर के, HLST साउथ में जो बिल्डर के मतलब BRT में ज्यादा फैले आ रही थी, वहां के जितने भी सरजापुर में प्रेस्टीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, एस्पन ग्रीन, ग्रेट एकर्स, सारे साउथ में जा रहे थे। तो मैंने बोला सर क्या करें, सर बोले एक काम करते हैं, वो लोग अगर अप्रूवल करते हैं करते हैं, तो बिजनेस हम करते हैं। मैंने कहा ये भी आइडिया अच्छा है। सर ने HLST साउथ में इतने फोन करे कि सबसे ज्यादा अगर फोन गया होगा तो सर की तरफ से गया होगा। हम लोगों ने इंडिविजुअल लीगल वैल्यूएशन लेकर के मतलब जितना कर सकते थे उतना करा। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस लेवल का सपोर्ट मिलना, और RACPC से RACPC के हर एक स्टाफ को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, RACPC एलन का, RACPC सेंट मार्क्स रोड, लेकिन इतना सपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिलता है तो वही है हमारा कॉन्फिडेंट का राज, वही है कि हम अपने आप को प्रेजेंट करके आ पाते हैं। तो अगर आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और 2000 इस नए फाइनेंशियल ईयर में हम एक और ऐसे बहुत से 2-3 जेंट्स के संग स्टार्ट करेंगे जहां एक अच्छा बिजनेस आएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और इस चीज को मैं फिर 2 छोटी लाइन के संग करना चाहता हूँ, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, ऊपर देखिए सारा आसमान बाकी है। जो लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था वो ये कैब है। ये कैब इंडियन एयरफोर्स के हाइएस्ट रैंक के ऑफिसर एयर कमोडोर नायर सर ने दी। इससे पहले भी हमने चार्ल्स सर का लोन किया और वहां एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा कि हमारी सर्विस से, हमारे डिसिप्लिन लेवल से, हमारे कमिटमेंट लेवल से, हमारी पंक्चुअलिटी से, 12 बजे मतलब 12 बजे, तो वो कमिटमेंट वहां छोड़ा था। फिर नए AOC आए, उनका भी लोन हमने किया, और जैसा हमने कमिटमेंट करा था कि एक दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन करा के देंगे, आपके ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डिसबर्स होगा, और वो हमने किया। और वो हमारी सर्विस से इतने खुश हुए कि उन्होंने हमें हमारे अपने ऑफिस बुला करके मुझे और संतोष सर को ये कैप पहनाया। ये बहुत ही आनंद की बात है, इंडियन एयरफोर्स का इतना बड़ा अधिकारी अगर आपके कमिटमेंट लेवल को लेकर के
अगर आपके डेडिकेशन लेवल को लेकर पंक्चुअलिटी को लेकर के अगर वो एक कैप पहना रहा है तो ये ऑनर राहुल संतोष के लिए नहीं है, ये ऑनर पूरे SBI के लिए। एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।